सरफेस फिनिश, इसमें जानेंगे सरफेस फिनिश होता क्या है, सरफेस फिनिश की कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है। सबसे पहले जानते हैं सरफेस फिनिश के बारे में। सरफेस फिनिश आल्सो नॉन एज सरफेस टेक्चर और सरफेस टॉपोग्राफी इज द नेचर ऑफ अ सरफेस एज डिफाइंड बाई द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ले, सरफेस रफनेस एंड वेवीनेस। इट कंप्राइजेस द स्मॉल लोकल डेविएशंस ऑफ अ सरफेस फ्रॉम द परफेक्टली फ्लैट आइडियल। सरफेस फिनिश के बारे में, सरफेस फिनिश को हम सरफेस टेक्सचर, सरफेस टोपोग्राफी भी कहते हैं। इसमें जो होता है वो सरफेस के आधार पर होता है। इसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक मेन काम करते हैं, ले, सरफेस रफनेस और वेवीनेस। इसमें जो कंप्राइजिस करते हैं स्मॉल एंड लोकल डेविएशन आप सरफेस करते हैं फ्लैट आइडियल के लिए। अगर कोई भी सरफेस, कोई भी एक पार्ट है उसमें फ्लैट आइडियल के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी फिनिशिंग देखते हैं, उस फिनिशिंग को चेक करने के लिए सरफेस फिनिश का इस्तेमाल करते हैं। सो द सरफेस फिनिश आल्सो नॉन एज सरफेस टेक्चर, इसको सरफेस टेक्चर भी कहा जाता है या सरफेस टोपोग्राफी भी कहते हैं इसको। इज द नेचर ऑफ अ सरफेस एज डिफाइंड बाई द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहला ले, सरफेस रफनेस एंड वेवीनेस। इट कंप्राइजेस द स्मॉल लोकल डेविएशंस ऑफ अ सरफेस फ्रॉम द परफेक्ट फ्लैट आइडियल। सरफेस फिनिश के कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होते हैं, टर्मिनोलॉजी लिखे हुए हैं, टर्मिनोलॉजी ऑफ सरफेस फिनिश। रफनेस, रफनेस हाइट, रफनेस विड्थ, रफनेस विड्थ कट ऑफ, ले, वेवीनेस, एरिथमेटिक एवरेज, ये इसके टर्म होते हैं सरफेस फिनिश के। सरफेस फिनिश के कौन कौन से टर्म होते हैं, सरफेस फिनिश के डिफरेंट टाइप के टर्म होते हैं। एक होता है रफनेस, रफनेस हाइट होता है, रफनेस विड्थ होता है, रफनेस विड्थ कट ऑफ होता है, ले, वेवीनेस, एरिथमेटिक एवरेज। अगर आपको आता है कि टर्मिनोलॉजी आप सरफेस फिनिश लिखिए, तो सरफेस फिनिश की टर्मिनोलॉजी होता है रफनेस, रफनेस हाइट, रफनेस विड्थ कट ऑफ, ले, वेवीनेस, एरिथमेटिक मीन। इसके बाद इसमें इसका डायग्राम जानेंगे। ये सरफेस फिनिश का डायग्राम है, सरफेस फिनिश का डायग्राम बनाना ये वाला। इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये एक इक्विपमेंट है। इस इक्विपमेंट में ऊपरी जो हिस्सा है, टॉप का हिस्सा है, यहाँ पर इसकी सरफेस को हम इसमें फिनिश को मेजर करते हैं। सो क्या होता है, एक जो ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये हिस्सा इसका, इसको बोलते हैं फ्लॉ, ये फ्लॉ कहलाता है। ये होता है ले डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ले होता है। और ये जो होता है इसका हिस्सा दोनों का, ये होता है रफनेस हाइट होता है, रफनेस हाइट मापी जाता है। और यहाँ पर होता है ये जो होता है, ये क्या होता है रफनेस विड्थ, रफनेस हाइट, रफनेस विड्थ। यहाँ पर वेवीनेस हाइट होता है और यहाँ पर वेवीनेस विड्थ होता है। ये रफनेस विड्थ कट ऑफ कहलाता है, ये जो हिस्सा होता है रफनेस विड्थ कट ऑफ होता है। तो ये इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। अगर हमको सरफेस फिनिश का डायग्राम बनाना हो तो सरफेस फिनिश के डायग्राम में ये चीज़ें आएंगी। सरफेस फिनिश में ये बॉडी इक्विपमेंट बनाएंगे, इसके टॉप पर हम इसमें सरफेस रफनेस बनाएंगे, सरफेस रफनेस पे इसमें हम इसमें कुछ इसमें पार्ट्स जानेंगे। जैसे कि ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये वाला हिस्सा है, ये है फ्लॉ, इसको फ्लॉ बोलेंगे। ये जो है यह ले डायरेक्शन है, यहाँ पर ये वेवीनेस हाइट है और यहाँ पर ये वेवीनेस विड्थ है। और ये है रफनेस हाइट और ये रफनेस विड्थ जो डोनोटेट कर रहे हैं। ये रफनेस विड्थ कट ऑफ होता है। अब इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे, ये कौन किसको क्या बोलते हैं, सबकी डेफिनेशन जानेंगे कि रफनेस हाइट क्या होता है, रफनेस विड्थ क्या होता है, वेवीनेस विड्थ क्या हो जाता है, वेवीनेस हाइट क्या होती है, ले डायरेक्शन क्या होता है, फ्लॉ क्या होता है, रफनेस विड्थ कट ऑफ क्या होता है, उसके बारे में। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं सरफेस रफनेस के। सबसे पहले इसमें हम डेफिनेशन में जानेंगे रफनेस, सबसे पहले जानेंगे रफनेस होता क्या है, इसके बारे में रफनेस की डेफिनेशन जानेंगे। तो रफनेस, रफनेस कंसिस्ट ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज विच रिजल्ट फ्रॉम द वेरियस मशीनिंग प्रोसेस। दिस इरेगुलरिटीज कंबाइंड टू सरफेस टेक्सचर।
रफनेस, रफनेस मेन क्या होता है, किसी भी इक्विपमेंट का, किसी भी मशीनिंग प्रोसेस से, विभिन्न प्रकार की जब मशीनिंग प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ इरेगुलरिटीज रिजल्ट आते हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, उस इरेगुलरिटीज को हम सरफेस टेक्सचर बोलते हैं या उसको हम रफनेस भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है, रफनेस कंसिस्ट ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज विच रिजल्ट फ्रॉम दी वेरियस मशीनिंग प्रोसेस, दीज इरेगुलरिटीज कंबाइंड टू फ्रॉम सरफेस टेक्सचर। नेक्स्ट है रफनेस हाइट, रफनेस हाइट क्या होती है, रफनेस हाइट में जानेंगे, इट इज द हाइट ऑफ द इरेगुलरिटीज विथ रिस्पेक्ट टू आर रेफरेंस लाइन, इट इज मीजर्ड इन मिलीमीटर्स आर माइक्रोन्स आर माइक्रो इंचेस, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइट ऑफ रफनेस। रफनेस हाइट क्या होती है, ये वो हाइट होती है जो इरेगुलरिटीज की रेफरेंस लाइन से, एक रेफरेंस लाइन होती है, रेफरेंस लाइन से उसकी इरेगुलरिटीज तक की हाइट को हम रफनेस हाइट बोलते हैं। इसको हम मिलीमीटर में मीजर करते हैं, माइक्रोन में मीजर करते हैं और माइक्रो इंचेस में मीजर किया जाता है, इसको हम हाइट ऑफ रफनेस भी कहते हैं। सो रफनेस हाइट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे क्या, इट इज़ द हाइट ऑफ द इरेगुलरिटीज विथ रिस्पेक्ट टू आ रेफरेंस लाइन, इट इज मीजर्ड इन मिलीमीटर्स माइक्रोन्स और माइक्रो इंचेस, इट इज ऑल्सो नॉन एज हाइट ऑफ रफनेस। फिर आता है रफनेस विड्थ क्या होता है, रफनेस विड्थ क्या होता है, द रफनेस विड्थ इज द डिस्टेंस पैरेलल टू द नॉमिनल सरफेस बिटवीन सक्सेस ऑफ पीक्स आर रिजेस विच कंस्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट पैटर्न ऑफ द रफनेस, इट इज मीजर्ड इन मिलीमीटर्स। अब रफनेस विड्थ क्या होती है, रफनेस विड्थ होती है जो उसकी रफनेस की चौड़ाई होती है, उसको रफनेस विड्थ बोलते हैं। सो द रफनेस विड्थ इज द डिस्टेंस पैरेलल टू द नॉमिनल सरफेस, पैरेलल से लेकर के नॉमिनल सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रफनेस विड्थ बोलते हैं, जो कि सक्सेसिव पीक्स या फिर रिजेस के बीच में होती है, और इसको हम मिलीमीटर से मेजर करते हैं, इसको किससे करते हैं, मिलीमीटर से, एमएम से इसको मेजर किया जाता है। सो इसमें रफनेस विड्थ लिखा हुआ है, द रफनेस विड्थ इज द डिस्टेंस पैरेलल टू द नॉमिनल सरफेस बिटवीन सक्सेस ऑफ पीक्स आर रिजेस विच कंस्टिट्यूट द प्री डोमिनेंट पैटर्न ऑफ द रफनेस, इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। नेक्स्ट है रफनेस विड्थ कट ऑफ क्या होता है, रफनेस विड्थ कट ऑफ, रफनेस विड्थ कट ऑफ इज द ग्रेटेस्ट स्पेसिंग ऑफ रेस्पेक्टिव सरफेस इरेगुलरिटीज टू बी इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ द एवरेज रफनेस हाइट, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द रफनेस विड्थ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द टोटल रफनेस हाइट रेटिंग। रफनेस विड्थ कट ऑफ, रफनेस विड्थ कट ऑफ इज द ग्रेटेस्ट स्पेसिंग होता है रेस्पेक्ट टू सरफेस इरेगुलरिटीज का, इसमें हम जो रफनेस हाइट होता है ये इसका मेजरमेंट रफनेस विड्थ कट ऑफ से ज़्यादा होता है। सो क्या होता है, रफनेस विड्थ कट ऑफ इज द ग्रेटेस्ट स्पेसिंग ऑफ रेस्पेक्ट टू सरफेस इरेगुलरिटीज टू बी इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ द एवरेज रफनेस हाइट, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द रफनेस विड्थ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द टोटल रफनेस हाइट रेटिंग। ये सब डायग्राम में मेंशन किया हुआ है, कहाँ पर इसको नोट करते हैं। इसके बाद आता है ले, ले क्या होता है, ले रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न प्रोड्यूस्ड एंड इट रिफ्लेक्ट्स द मशीनिंग ऑपरेशन यूज टू प्रोड्यूस इट। ले को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न के लिए, अगर प्री डोमिनेंट सरफेस पैटर्न है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो डायरेक्शन दिखाते हैं उसको ले बोलते हैं। सो ले इज द, ले रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्री डोमिनेंट सरफेस पैटर्न प्रोड्यूस्ड एंड इट रिफ्लेक्ट्स द मशीनिंग ऑपरेशन यूज टू प्रोड्यूस इट। नेक्स्ट है वेवीनेस, वेवीनेस क्या होता है, दिस रिफर्स टू द इरेगुलरिटीज विच आर आउटसाइड the roughness width cutoff values, waviness is the widely spaced component of the surface texture,
दिस मे बी रिजल्ट ऑफ वर्क पीस और टूल डेफ्लेक्शन ड्यूरिंग मशीनिंग वाइब्रेशन आर टूल रन आउट। वेविनेस, वेविनेस एक रिफर्श लाइन होती है जो कि इरेगुलरिटीज की बाहरी तौर पर रहती है। इसमें रफनेस का जो विड्थ कट ऑफ होता है उसकी वैल्यू वेविनेस के वाइडली स्पेस्ड के बराबर होती है सरफेस टेक्सचर के। सो जो इसका हम इस्तेमाल वर्कपीस, टूल डेफ्लेक्शन आदि में इसकी वाइब्रेशन और टूल रनआउट के लिए करते हैं। सो वेविनेस क्या होता है? दिस रिफर्स टू द इरेगुलरिटीज विच आर आउटसाइड द रफनेस विड्थ कट ऑफ वैल्यूज। वेविनेस इज द वाइडली स्पेस्ड कंपोनेंट ऑफ द सर्फेस टेक्सचर। दिस मे रिजल्ट ऑफ वर्कपीस और टूल डायरेक्ट डिफ्लेक्शन ड्यूरिंग मशीनिंग वाइब्रेशन एंड टूल रन आउट। अब वेविनेस के बाद आते हैं वेविनेस विड्थ क्या होता है। वेविनेस विड्थ आता है तो वेविनेस हाइट इज द पीक टू वैली डिस्टेंस ऑफ द सर्फेस प्रोफाइल मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। तो वेविनेस हाइट का जो पीक होता है, पीक डिस्टेंस होती है सरफेस प्रोफाइल की, उसको वेविनेस विड्थ बोलते हैं। तो वेविनेस हाइट इज द पीक टू वैली डिस्टेंस ऑफ द सरफेस प्रोफाइल मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, को मिलीमीटर से शो करते हैं। एरिथमेटिक एवरेज, अ क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एरिथमेटिक एवरेज रफनेस हाइट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रोफाइल चार्ट ऑन द सरफेस। एवरेजिंग फ्रॉम अ मेन सेंटर लाइन में आल्सो बी ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूजिंग अप्रोक्सीमेट्स सर्कुलरली थ्रू अ मीटर और चार्ट रिकॉर्डर। एरिथमेटिक एवरेज, ये क्लोज अप्रोक्सीमेशन एरिथमेटिक एवरेज होता है जिसके द्वारा हम रफनेस हाइट को कैलकुलेट करते हैं विभिन्न प्रोफाइल चार्ट के द्वारा। जब इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोफाइल चार्ट बनाए जाते हैं उसमें एवरेजिंग बाय सेंटर लाइन से लेकर के इसके ऑटोमेटिकली इसके द्वारा क्लोज अप्रोक्सीमेशन से एरिथमेटिक एवरेज के रफनेस हाइट को कैलकुलेट करते हैं। सो एरिथमेटिक एवरेज क्या होता है? अ क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एरिथमेटिक एवरेज रफनेस हाइट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस प्रोफाइल चार्ट ऑफ द सर्फेस। एवरेजिंग फ्रॉम अ मेन सेंटर लाइन में आल्सो बी ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड बाई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट विच यूजिंग अप्रोक्सीमेट सर्कुलरी थ्रू अ मीटर और चार्ट रिकॉर्डर। ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल होता है और ये मीटर और चार्ट रिकॉर्डर में इसका यूज किया जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि सरफेस रफनेस क्या होता है, सरफेस फिनिश क्या होता है, उसके टर्मिनोलॉजी कौन कौन से होते हैं, उन टर्मिनोलॉजी को कहाँ डिनोटेड करते हैं, इसको हम जानेंगे कहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है। ये सब जो हमने पढ़े हुए डेफिनेशन ये सब इस डायग्राम में शो किया हुआ है। ये एक डायग्राम है सरफेस फिनिश का। इस सरफेस फिनिश में अगर हम देखें कि पहला ले पड़ा हुआ था तो ले कहाँ होता है, ले ये होता है ले डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को शो करता है। ये फ्लो क्या होता है, ये फ्लो होता है। रफनेस हाइट, ये रफनेस हाइट होती है, इसमें मेंशन किया हुआ है ये रफनेस हाइट होती है। रफनेस विड्थ, ये रफनेस विड्थ कहलाती है जो इसकी डेफिनेशन को पढ़ा हुआ है। वेविनेस विड्थ क्या होती है, ये वेविनेस विड्थ होती है यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन, ये रफनेस विड्थ कट ऑफ होता है और ये वेविनेस हाइट होती है। तो ये इसके टर्म होते हैं, इन्हीं टर्मों को उसमें डेफिनेशन के द्वारा पढ़ा हुआ है। कि अगर कोई बोला जाए कि ले अप डायरेक्शन, ले अप डायरेक्शन ये है, वेविनेस हाइट ये है, वेविनेस विड्थ ये है, रफनेस हाइट ये है, ये रफनेस विड्थ ये है, रफनेस विड्थ कट ऑफ ये है और फ्लो ये है। इन सबको मेंशन किया हुआ है सरफेस फिनिश में। इस टाइप से इनको पढ़ते हैं।